नमस्कार बच्चों, आज हम प्रेपोजिशन की एक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और साथ साथ आपका टेस्ट भी चलता रहेगा। आपने हर एक आंसर को अपने मन में सोचना है, फिर हम राइट आंसर को टिक करेंगे और आपने स्कोर करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास नाउ चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन इन ईच सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है स्टे डैश द डॉग इट बाइट्स। तो क्या है स्टे द डॉग इट बाइट्स, यह काटता है तो क्या आएगा, कुत्ते से दूर रहें, तो अवे फ्रॉम द डॉग पहला आंसर ही ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम द डॉग इट बाइट्स, ये आपका राइट आंसर जाएगा। ना यहाँ टू आएगा, ऑन टू भी नहीं आएगा और अंडर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है आपका ये है प्लीज गेट डैश द स्टेज द परफॉर्मेंस इज अबाउट टू स्टार्ट, कि स्टेज से नीचे उतर जाइए क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जब हम गेट के साथ ऑफ का यूज करेंगे, गेट ऑफ, अगर गेट अप लगाते तो इसका मतलब आप स्टेज पे चढ़ जाइए, और गेट इन किसी चीज में अंदर जाना होता है, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर गेट ऑफ ही आएगा। नेक्स्ट जो आपका है क्विक गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डैश द हिल। तो क्विक गेट द बॉल, जल्दी से बॉल को पकड़ लो बिफोर, इससे पहले इट रोल्स डैश द हिल, कि इससे पहले लुढ़क जाए डैश द हिल पहाड़ी से। तो जब भी पहाड़ी से बॉल रुकेगी तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो रोल्स के साथ डाउन आएगा, रोल्स डाउन द हिल, तो ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आपने देखना व्हाट डू यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करते हो, डैश द वीकेंड। तो यहाँ पर जो ये है इसके साथ तो हमेशा ही क्या आएगा, ऑन द वीकेंड आता है, जब वीकेंड है तो ऑन द वीकेंड। व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन द वीकेंड, आप जब वीकेंड आता है तो आप क्या करना पसंद करते हो। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हर डैश जून। तो नो हैव नॉट सीन आया यहाँ पर, तो इसके साथ हर तो फार नहीं आएगा, फार तब आता है जब कोई टाइम की लेंथ ही होती है, इन भी नहीं आएगा और ऑन भी नहीं आएगा, तो यहाँ सीन्स आएगा, सीन्स क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर टाइम, एक पॉइंट की एक पर्टिकुलर टाइम से यह है स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सीन्स आएगा। नेक्स्ट है वी विल नेक्स्ट मीट डैश द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर क्या है कि वी विल मीट नेक्स्ट, मीट हमारी जो अगली मुलाकात होगी, डैश द मिडल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो इसमें इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ आएगा क्योंकि अगले महीने के बीच में है, ऑफ भी नहीं आएगा, नेक्स्ट मीट ऑफ द नो टू भी नहीं आएगा, तो इन, और कई बच्चे ऑन लगाते हैं, ऑन नहीं आएगा, ऑन तब आता है जब पर्टिकुलर डेट दी हो, यहाँ पर इन आएगा क्योंकि इन क्या है, वो एक मंथ है, मंथ के बीच में बिटवीन में कोई डेट है। हर बर्थडे इज डैश 6 जून। अब देखिए यहाँ पर मंथ के एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, जब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट है, फिक्स है डेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, हर बर्थडे इज ऑन 6 जून, ये ठीक है। सी वाज बोर्न, सी वाज बोर्न डैश ए फार्म, बोर्न एट ए फार्म, एट और ऑन इन दोनों में से आएगा, परंतु एट ज्यादा सही नहीं बैठेगा, एट ए फार्म, ऑन ए फार्म ज्यादा एक्यूरेट है, यही आंसर सही है, उसका जन्म एक फार्म पे हुआ था। डू यू कम डैश लंडन, ये फ्रॉम लंडन ठीक है, डू यू कम फ्रॉम लंडन, ये फर्स्ट वाला ही ठीक है, क्या आप लंदन से आए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डू यू कम ऑन लंदन, नो, कम इन लंदन भी नहीं, कम ऑफ भी नहीं, यही आएगा। नेक्स्ट है वी सेल्ड द बोट डैश द रिवर। वी सेल्ड अंडर द वाटर तो नहीं करेंगे, ऑन द वाटर ठीक है, वी सेल्ड द बोट ऑन द वाटर, ये ठीक है, आपका आंसर है, आपका ये सही हो जाएगा, और हम आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, सभी आंसर आपके क्या हैं, करेक्ट है। तो अब आप इस एक्सरसाइज को अपने जो माइंड में आपने सोचे थे उसे मिला लीजिए, और अपने जितने भी आपको लगता है क्वेश्चन है, अपने आप को खुद से मार्क्स दीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक्स।